तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन इंडियन फार्माकोपिया ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन फार्माकोपिया में ड्रग्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। पहला ऑप्शन है अल्फाबेटिकली, दूसरा ऑप्शन है फार्माकोलॉजिकली, तीसरा ऑप्शन है केमिकली और चौथा ऑप्शन है मॉर्फोलॉजिकली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फाबेटिकली, जो इंडियन फार्माकोपिया होती है उसमें ड्रग्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर रीअरेंज किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ट्राइकोम्स आर कॉल्ड एज, पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टेन, दूसरा ऑप्शन है प्लांट हेयर्स, तीसरा ऑप्शन है ग्लैंडुलर हेयर्स और चौथा ऑप्शन है बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ सेकेंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दीज इज अ नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर है जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिन, तीसरा ऑप्शन है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और चौथा ऑप्शन है एफसिसिक एसिड, दैट मीन्स ए बी ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एफसिसिक एसिड, ए बी ए जो है वो हमारा नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर होता है और बाकी के जो हमारे साइटोकाइनिन और ऑक्सिन है ये दोनों ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज रोडेंटिसाइड, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा रोडेंटिसाइड है। रोडेंटिसाइड क्या होते हैं, जो रेंगने वाले जानवर होते हैं जैसे कि चूहा, उसको जो मारते हैं किल करते हैं वो होते हैं हमारे रोडेंटिसाइड। और क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा रोडेंटिसाइड है। पहला ऑप्शन है आपका डीडीटी, दूसरा ऑप्शन है मेलाथियन, तीसरा ऑप्शन है रेड स्किल और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेड स्किल। ये ऐसे टॉक्सिक केमिकल कंटेन करता है जिससे जब कोई रोडेंट्स इसको खाता है, इसके फ्लावर को खा लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये रोडेंटिसाइड का काम करता है और इसे हम रेड स्किल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये व्हाइट फ्लावर की जगह रेड फ्लावर कंटेन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेड स्किल। अगला क्वेश्चन है आपका, पॉपी प्लांट्स बिलोंग्स टू, तो पहला ऑप्शन है रूबिएसी, दूसरा ऑप्शन है एपोसाइनेसी, तीसरा ऑप्शन है सोलेनेसी और चौथा ऑप्शन है पापावेरेसी। तो पॉपी प्लांट जो होता है इसका बॉटेनिकल नेम होता है पॉपोवर सोमनीफेरम, जो ओपियम का प्लांट होता है उसे हम बोलते हैं पॉपी प्लांट्स और इसकी फैमिली होती है पापावेरेसी। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपियम इज डिटेक्टेड बाई टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ, पहला ऑप्शन है आपका मॉर्फिन, दूसरा ऑप्शन है नार्कोटीन, तीसरा ऑप्शन है मिकोनिक एसिड और चौथा ऑप्शन है पापावेरिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिकोनिक एसिड। ये मिकोनिक एसिड जो होता है इसे हम पॉपी एसिड भी बोलते हैं और ये एनालिटिकल मार्कर की तरह काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दीज कंटेन्स आइसोक्यूनोलिन एल्केलॉइड्स, पहला ऑप्शन है आपका राउल्फिया, दूसरा ऑप्शन है इपिकॉक, तीसरा ऑप्शन है विनका और चौथा ऑप्शन है क्यूरेर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इपिकॉक, क्योंकि जो इमेटिन एल्कलॉइड्स होता है ये आइसोक्यूनोलिन एल्कलॉइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पेरीविंकल इज रिलेटेड टू, तो पेरीविंकल जो है ये साइनोनेम्स है और ये किसका साइनोनेम्स है। पहला ऑप्शन है आपका विनका रोजिया, दूसरा ऑप्शन है सिंकोना और तीसरा ऑप्शन है कार्डमम और चौथा ऑप्शन है डिजिटेलिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विनका रोजिया, इसे हम पेरीविंकल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्फ गंधा इज रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन है आपका राउल्फिया, दूसरा ऑप्शन है नक्सोमिका, तीसरा ऑप्शन है एपोसाइनेसी और चौथा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, जो कि है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सर्पगंधा इज द साइनोनेम्स ऑफ राउल्फिया, ठीक है। और इसे हम सर्पगंधा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो राउल्फिया रूट होती है ये टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्पगंधा और इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नक्स ओमिका सीड बिलोंग्स टू फैमिली, पहला ऑप्शन है आपका सोलेनेसी, दूसरा ऑप्शन है लेगुमिनेसी और तीसरा ऑप्शन है एपोसाइनेसी, चौथा ऑप्शन है लोएगनियसी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, स्ट्राइकोनस नक्स ओमिका जो होती है ये बिलोंग करती है फैमिली लोएगनियसी से, ठीक है, लेगुमिनेसी नहीं लोएगनियसी। ध्यान से ऑप्शन को आपको चूज करना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, और लोग गलत करके चले आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, जो कि है लोएगनियसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन बेलाडोना कंटेन्स एल्केलॉइड, पहला ऑप्शन है आपका स्ट्राइकिनिन, दूसरा ऑप्शन है एट्रोपिन, तीसरा ऑप्शन है सिफेलिन और चौथा ऑप्शन है नार्कोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एट्रोपिन। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दीज टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर ट्रोपेन एल्केलॉइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो पहला ऑप्शन है आपका विटाली मोरिन टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है फिही टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है बॉल जेट टेस्ट, चौथा ऑप्शन है किलर किलानी टेस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विटाली मोरिन टेस्ट। यहाँ पर एक चीज और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विटाली मोरिन टेस्ट जो होता है ये कौन सा करेक्टरिस्टिक कलर देता है। ठीक है, तो इसका कलर होता है वायलेट कलर। ठीक है, याद रखने के लिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वी से विटाली मोरिन टेस्ट और वी से वायलेट कलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन बेलाडोना लीव्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस तरह के स्टोमेटा बेलाडोना लीव्स में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका एनाइसोसाइटिक, दूसरा ऑप्शन है एनोमोसाइटिक, तीसरा ऑप्शन है क्रूसीफेरस और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द बेलाडोना लीव्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिडली नाइट शेड प्लांट इज रिलेटेड टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और डिडली नाइट शेड जो है ये साइनोनिम्स होता है किसका, बेलाडोना का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉली बेसिल इज द साइनोनिम्स ऑफ। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हॉली बेसिल किसका साइनोनिम्स है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्लो, दूसरा ऑप्शन है ऑसिमम सैंक्टम, तीसरा ऑप्शन है कार्डेमम और चौथा ऑप्शन है राउल्फिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड जो कि है ऑसिमम सैंक्टम। जो तुलसी होती है उसे हम बोलते हैं हॉली बेसिल। इसका दूसरा एक साइनोनिम्स और भी है जो कि है सैक्रेड बेसिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिब्रेलिन फर्स्ट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। क्वेश्चन कह रहा है कि जिब्रेलिन को हमने सबसे पहले किससे आइसोलेट किया था। तो पहला ऑप्शन है आपका जिब्रेला फ्यूजिकोराई, दूसरा ऑप्शन है एनिमल सोर्स, तीसरा ऑप्शन है एल्गी और चौथा ऑप्शन है प्लांट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो कि एक फंगस है, इससे हमने सबसे पहले जिब्रेलिन को आइसोलेट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द सिकमिक एसिड इज की इंटरमीडिएट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ। तो पहला ऑप्शन आपका C6C3 यूनिट, दूसरा ऑप्शन है C3C1 यूनिट, तीसरा ऑप्शन है हायर यूनिट्स और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C6C3 यूनिट्स। सिकमिक एसिड जो होता है ये इंडोल एंड इंडोल डेरिवेटिव्स के लिए प्रिकर्सर का काम करता है और कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए प्रिकर्सर का काम करता है जो कि है हमारा ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च इज अ। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्च क्या है। पहला ऑप्शन है आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा ऑप्शन है डाइसैकेराइड, तीसरा ऑप्शन है पॉलीसैकेराइड और चौथा ऑप्शन है ट्राइसैकेराइड। तो स्टार्च जो होता है ये पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, और एक ही तरह के ग्लूकोज यूनिट्स को कंटेन करता है जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसे हम होमोपॉलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं। और फाइनल क्वेश्चन है हमारा, एमाइलम इज अ साइनोनेम्स फॉर। पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है सोडियम एल्जिनेट और चौथा ऑप्शन है म्यूसिलेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टार्च। जो एमाइलम होता है ये साइनोनेम्स है स्टार्च का, क्योंकि ये एमाइलोपेक्टिन और एमाइलेज शुगर कंटेन करता है, इसीलिए इसको हम एमाइलम बोलते हैं। ठीक है,